आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कि आपको पता है नंबर लाइन पे हम हर एक इंटीजर, हर एक रियल नंबर को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें रैशनल भी आ जाते हैं और इरेशनल भी आ जाते हैं। आज हमने क्या करना है, इस एक नंबर लाइन पे, जैसे सपोज़ ये नंबर लाइन है, आपको पता है यहाँ पे इंटीजर्स तो आप ईज़ली रिप्रेजेंट कर लेते हो, और आपको पता है हर एक नंबर जो है वो यूनिकली रिप्रेजेंट होता है। जैसे सेंटर में ज़ीरो रहता है, इसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, फिर जैसे वन लिखा, आगे टू एंड सो ऑन, और यहाँ पे भी इस साइड माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, सो ऑन, और इसके बीच में भी तो नंबर है ना। आज हमने यही बताया हुआ है कि जो आपके पास रैशनल नंबर है उसको आपने कहाँ रिप्रेजेंट करना है, ऑन द नंबर लाइन। जैसे ये क्या है, 7/4, ठीक है। 7/4 का आपको नहीं पता चल रहा कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं, अगर सपोज़ इसकी जगह 4/4 होता तो आपको पता चल जाना था वो क्या था, 1। इट मीन्स, और देखो 4/4 यहाँ, इसके आगे क्या आएगा, 5/4, 6/4, फिर 7/4, इसका मतलब ये कहाँ, ये जो 1 है इससे कहीं आगे है, क्योंकि इसके इधर नंबर क्या शुरू होंगे, 1/4, 2/4, 3/4, और ये वाला क्या बन जाएगा, 4/4, इसके बाद 5/4, 6/4 और 7/4, और ये जो 2 होता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 8/4, 4 2 8, तो ये क्या बन जाएगा, 8/4। तो हमें क्या चाहिए, 7/4, ये जो है हमारा 7/4, इसको हमने बड़ा सा डार्क सर्कल कर देना और अच्छे से डार्क करके लिख लेना है कि ये जो हमारा 7/4 है इसकी जो यूनिक रिप्रेजेंटेशन है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम सेकेंड, माइनस ऑफ 5/6। अब आपको पता है कि ज़ीरो के राइट साइड में कौन से नंबर है, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर है, नेगेटिव। अब देखो माइनस 5/6 है, अगर सपोज़ माइनस 6/6 होता तो आपको पता चल जाना था क्या है, माइनस 1। इट मीन्स कि माइनस 1 से, मतलब माइनस 6/6 से पहले इधर कहीं नंबर है, वो क्या है, माइनस 5/6, मतलब माइनस 1 से पहले है। तो यहाँ से ज़ीरो इधर से शुरू कर लो, माइनस 1/6, माइनस 2/6, माइनस 3/6, माइनस 4/6, और यहाँ क्या आ गया, माइनस 5/6, और ये माइनस 5/6 को आपने क्या करना है, सर्कल कर देना है, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसकी, सेकंड पार्ट है माइनस 5/6 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, रिप्रेजेंट माइनस 2/11, माइनस 5/11, माइनस 9/11 ऑन द नंबर लाइन। सपोज वी हैव अ लाइन, ये है, अब ये नेगेटिव में है, ये भी इट मीन्स क्या होगा, ज़ीरो के इस साइड। देखो आपने वही देखना है पहले, सेम का सेम करके, कि मतलब अगर ऊपर 11 होता तो ये कहाँ आना था, 11/11 मीन्स माइनस 1, तो माइनस 1 से इसी साइड है, तो माइनस 1 अगर हमने यहाँ पे लिख लिया मीन्स माइनस 11/11, मतलब माइनस 1, तो यहाँ से शुरू कर दो, 0 है, इसके बाद क्या आएगा, माइनस 1/11, माइनस 2/11, माइनस 3/11, माइनस 4/11, माइनस 5/11, माइनस 6/11, माइनस 7/11, माइनस 8/11 और माइनस 9/11। अब आपको क्या चाहिए, ये देखो यहाँ पे क्या है, माइनस 2/11, ये क्या है, माइनस 2/11, इसको सर्कल कर लो, माइनस 5/11 ये है, इसको सर्कल कर लो, फिर माइनस 9/11 इसको सर्कल कर लो, ठीक है, बस यही है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगी कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमने क्या करने हैं, फाइंड आउट, और रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं कि उन दोनों के बीच में कौन है, कौन से हैं इसके लिए, पर वो मैं कल ही टॉपिक शुरू करूँगी। आज आप थोड़ा एलसीएम वगैरह खुद करो, ठीक है, आज आपने खुद ट्राई क्या करना है, एलसीएम देखना कैसे करते हैं, और होमवर्क में मैं आपको एक असाइनमेंट देती हूँ, आपने क्या रिप्रेजेंट करना है, माइनस 7/8 ऑन नंबर लाइन, और सेकंड क्या करना है, 2/3 कहाँ पे, नंबर लाइन पे, बस। ओके, थैंक यू।